नोएडा में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में शिरकत करने आए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने विभाजन को लेकर हो रही राजनीति पर सवाल खड़े किए। भागवत ने कहा है कि देश का विभाजन कभी न मिटने वाली वेदना है, विभाजन रद्द करके ही ये दर्द मिटाया जा सकता है। भागवत ने विभाजन से अलग हुए लोगों की वापसी की भी वकालत की। विभाजन, मातृभूमि का विभाजन, देश का विभाजन, ये न मिटने वाली वेदना है। उसका निरास तभी होगा जब ये विभाजन निरस्त होगा। वसूली के मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुए। उनसे करीब 7 घंटे तक पूछताछ चली। परमवीर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक वो जांच में सहयोग दे रहे हैं। कई दिनों से फरार चल रहे परमवीर ने खुद के चंडीगढ़ में होने की बात कही थी, जिसके बाद वो चंडीगढ़ से मुंबई पहुंचे। मुंबई की एक अदालत ने परमवीर सिंह को भगोड़ा घोषित किया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से छूट देते हुए उन्हें जांच में शामिल होने का निर्देश भी दिया था। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के 1 से 7वीं तक की कक्षा के सभी स्कूलों को खोलने का फैसला किया है। कोरोना महामारी के कारण स्कूल बंद थे, यानी अब करीब 20 महीने के बाद छात्र स्कूल जाएंगे। पीडियाट्रिक टास्क फोर्स के ग्रीन सिग्नल के बाद महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सहमति से ये फैसला लिया है। हालांकि सरकार ने यह साफ किया है कि स्कूल प्रशासन को तय गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने युद्ध स्तर पर यमुना नदी की सफाई में तेजी लाने के लिए यमुना क्लीनिंग सेल का गठन किया है। ये सेल संबंधित विभागों की ओर से किए जा रहे कामों पर नजर रखेगा। दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सेल का अध्यक्ष बनाया गया है और सभी संबंधित विभागों के प्रतिनिधि सदस्य होंगे। फरवरी 2025 तक यमुना को साफ कराने की जिम्मेदारी सेल के पास होगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बैठक के दौरान कहा कि हम यमुना की खोई सुंदरता को वापस लाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे कानपुर टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन है, जहां टीम इंडिया बड़े स्कोर की ओर बढ़ सकती है। पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 4 विकेट के नुकसान पर 258 रन बनाए थे। दिन के खत्म होने तक श्रेयस अय्यर 136 गेंदों पर 75 और रविंद्र जडेजा 100 गेंदों पर 50 के स्कोर पर नाबाद हैं। टीम इंडिया ने अपने पहले 4 विकेट 145 के स्कोर पर गंवा दिए थे, लेकिन इसके बाद 5वें विकेट के लिए श्रेयस अय्यर और रविंद्र जडेजा ने 208 गेंदों पर 113 रन जोड़कर टीम इंडिया की पारी को संभाल लिया। दोनों खिलाड़ियों ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को विकेट का कोई मौका नहीं दिया और समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते नजर आए। नंबर 5 पर खेलते हुए श्रेयस अय्यर ने 94 गेंदों पर अपनी 50 पूरी की। डेब्यू टेस्ट इनिंग्स में अर्धशतकीय पारी खेलने वाले अय्यर भारत के 47वें खिलाड़ी बने। वहीं अय्यर भारतीय सरजमी पर टेस्ट इनिंग्स में 50 प्लस स्कोर बनाने वाले 25वें खिलाड़ी बने। अगर अय्यर अपनी सेंचुरी पूरी करते हैं तो वो डेब्यू टेस्ट में शतक बनाने वाले 16वें भारतीय बन जाएंगे। टीम इंडिया के लिए ओपनिंग कर रहे शुभमन गिल ने 52 रनों की पारी खेली, जबकि मयंक अग्रवाल 13 रन बनाकर आउट हो गए। रहाणे ने 35 और पुजारा ने 26 रनों की पारी खेली। न्यूजीलैंड की ओर से जैमिसन ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। पटना के फुलवारी शरीफ में जमीन विवाद में बेखौफ बदमाशों ने जेडीयू नेता और डॉक्टर को गोली मार दी। गोली डॉक्टर की बाह में लगी। बताया जा रहा है कि डॉक्टर अपनी जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे को रोकने गए थे, मगर कब्जा करने वाले बदमाशों ने गोली चलानी शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने 5 राउंड फायरिंग की। एक गोली डॉक्टर के कार के शीशे को तोड़ती हुई उनके बाह में लगी। पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक 11 साल की नाबालिग से गांव के युवक ने रेप किया और उसे बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हो गया। नाबालिग को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। मामला अमेठी कोतवाली क्षेत्र का है। पुलिस के मुताबिक मामला दर्ज कर लिया गया है और फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। बिहार के सहरसा में पेट्रोल पंप के मालिक से लूट करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने 24 नवंबर को पेट्रोल पंप के मालिक से 4,67,000 रुपए लूटे थे। पुलिस ने इस लूट का पर्दाफाश करते हुए बताया कि आरोपियों के पास से लूट का 1,90,000 रुपए, 3 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 10 राउंड जिंदा कारतूस, 7 खोखा, 7 मोबाइल और लूट में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद की है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।
उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस ने कारतूसों का जखीरा बरामद किया है। मामला थाना दौराला की रुहासा गांव का है। बताया जा रहा है कि यहां पूर्व प्रधान के घर से 300 से ज्यादा कारतूस, एक राइफल, एक बंदूक और 5 अवैध तमंचे और भारी मात्रा में बारूद बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक पूर्व प्रधान के घर पर ही कारतूस बनाने का धंधा चल रहा था। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और बाकी के आरोपियों की तलाश में जुट गई है।